मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिवेट हो चुका है। आपको बता दें कि आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही इंदौर, रायसेन में बारिश भी हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि 13 जून से प्रदेश भर में प्री मानसून पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा और मानसून आने तक यह बना रहेगा। इधर दिन से ही एक ही जगह पर अटका मानसून भी अब ट्रैक पर लौट रहा है। इस बारे में मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 11 जून से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही मौसम अगले दो दिन में महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि वही 15 जून के बाद मानसून मध्य प्रदेश पहुँच जाएगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसून बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं 15 जून से देश के मध्य और उत्तर मैदानी इलाकों में मानसून की रफ्तार तेजी से आने की संभावना है। एक हफ्ते पहले तक प्रदेश में खूब गर्मी पड़ रही थी। कुछ जिलों में तो पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया था। लू का असर काफ़ी तेज था, लेकिन प्री मानसून एक्टिवेट होने के बाद लू का असर नहीं दिखेगा। धूप का तीखापन भी कम हुआ है, हालांकि रात का पारा अभी भी बढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।